उप स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 द्वारा कुष्ठ रोग से बचाव और निदान के लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाने एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुष्ठ नियंत्रण रोकथाम के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें कुष्ठ कार्यकर्ता जेडी मानिकपुरी, अजय देवांगन व पीआर साहू ने कुष्ठ के लक्षण, बचाव और निदान के संबंध में जानकारियां दी। 4 कुष्ठ मरीज मिले हैं। इसी प्रकार अन्य वार्डों में सघन जांच खोज अभियान बीएमओ डॉक्टर आशीष शर्मा और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। महिला सुपरवाइजर श्रीमती रंजू विश्वास ने बताया कि महिला भी अपने अंगों में चर्म रोगों से संबंध दाग धब्बे की जांच भिलाई 3 में करा सकती है। महिलाओं की जांच LHV द्वारा की जाएगी। लेप्रोसी को आम भाषा में अपन कुष्ठ रोग ही बोलते हैं, है ना। कुष्ठ रोग साधारण चर्म रोग है जो एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। लोगों में एक गलत भ्रांति है, जनरली लोग बाग जो है इसको जो बीमारी नहीं मानते हैं। अभी भी जो है गलत धारणा है कि ये पूर्व जन्म का पाप है या और कुछ गलत काम किए हैं, गलत चीज़ खाएं, इसके कारण हो जाता बीमारी करके। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक साधारण चर्म रोग है और ये माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरियल लेप्री है जिसके कारण होता है। और ये सामान्य जो है चर्म का बीमारी है और इसमें जो है चमड़ी और नर्व दोनों प्रभावित होता है। जिसके कारण नर्व प्रभावित होता है तो इसमें जो है विकृति आता है, हाथ पैर की उंगली का मुड़ना है, शून्यपन है, झिनझिनी होना है। और इसके कारण क्या होता है, लोग बाग जनरली कुष्ठ करके यदि उनको पता चल जाता है तो वो फिर बीमारी को छुपाने के नाम से उधर उधर भटकते हैं, भैया गुनिया है, या तो फिर ऐसी जो है झोला छाप डॉक्टर है जिनके पास जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो इनको जो है बात रोग है करके उनको गुमराह करते हैं अपना जो ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये मरीज जो है गुमराह हो जाते हैं, बात का ट्रीटमेंट कराते कराते क्या होता है उनका हाथ पैर जो है ख़राब हो जाता है। अंतिम में यही एक चार अवस्था है, फिर वो आते हैं हमारे पास, आता है स्वास्थ्य विभाग में जो है, तब तक ये बहुत आगे निकल जाता है। उस समय भी अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो विकृति आने के बाद भी यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको माइकोबैक्टीरियम जो है MDT जो दवाई देते हैं, है ना, बिस्टर पे आता है इसका जो है, ये जो है 6 महीने और साल भर का दवाई रहता है, यदि उसको हम खिलाते हैं तो बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है। उसका जो बैक्टीरिया है दवाई खाने से ख़त्म होगा, बीमारी ख़त्म हो जाता है। लेकिन विकृति जो है यदि वो बढ़ा के आता है, विकृति हो जाता है, तो विकृति जो है एक तो ये जो है यदि ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब ये जो है बहुत मुश्किल से ठीक हो पाता है। फिर भी इसका जो है गवर्नमेंट के तरफ से एक इसका जो सर्जरी होता है, उंगली वगैरह जो मुड़ा रहता है इसका एक सर्जरी करके ऑपरेशन कर उसको ठीक किया जा सकता है, उसको काम के लायक बनाया जा सकता है। तो ये जो है आम पब्लिक से हमारा यही जो है अपील है कि इस बीमारी को छुपाए ना और जितना जल्दी से जल्दी हो सके और स्वास्थ्य केंद्र में आके अपना जांच कराएं। जनरली जो है जितना भी जो चर्म का बीमारी है, चमड़ी का बीमारी है, यदि नस में तकलीफ है तो वो पहले स्वास्थ्य केंद्र में आए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में, वहां आके एक बार जांच कराएं। और यदि वो हो सकता है यदि कुष्ठ का मरीज है तो उसका जो है इलाज करा के वो पूर्ण तरह से बीना विकृति के ठीक हो सकते हैं बीमारी में जो। बहरहाल इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित स्थानीय लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।